मेडिकल में जाता है, उसको कहाँ डालते हो? पहले लेके आईसीयू में डालते हैं। अगर उसको मरना है तो वही मर जाएगा। अगर एक बार आईसीयू से बाहर निकल के आ गया और वो मरेगा नहीं। एजेंसी का भी यही हाल है। एजेंसी देने का, जब आप एजेंसी दे दिया किसी आदमी को, पहला साल उसका आईसीयू भी देगा आपको, वो पहला साल उसको देखना पड़ेगा। उसको पहला साल अगर वो आपने जिंदा रख दिया वो मरेगा। तो क्यों एक आदमी एजेंसी छोड़ देता है, काम क्यों नहीं करता है? बोलिए क्यों? उसको विजन नहीं मिलता है, उसको विजन नहीं मिलता है। अगर विजन मिल गया कि हाँ मैं कमाऊंगा, हम जरूर कमा पाएंगे, आप उसके साथ जब जर्नल में जाते हैं तो जर्नल में जाकर क्लोजिंग करके अगर दो चार पॉलिसी का पैसा उसको पैसा उसका पकड़ में आपने डाल दिया तो छोड़ेगा नहीं। काम मैं डेली एक पुरुष करके आप करते रहिए। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए मैडम। हाँ देखिए, एक एक बताओ क्या पाइप्स वाले डॉक्टर होते हैं ना, बिना ऑपरेशन का पाइप्स प्योर, यह है कि नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया डायलॉग मारते बिना चीज फाड़ का पाइप डॉक्टर, विलेज एग्रीकल्चर वर्कर, ये गवर्नमेंट का पोस्ट है, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, देख लिया? हो गया? ओके नेक्स्ट। ठीक है, हाँ। और एक मेथड है, कोई कोई स्कूल को आप अगर जाएंगे तो स्कूल के हेडमास्टर के साथ बात कीजिए कि हम LIC की तरफ से आपके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन कराना चाहते हैं, वहां बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा ना। एक ड्राइंग कंपटीशन अगर आप कराएंगे, अरेंज कराएंगे तो कितना खर्चा होगा? 2000 खर्चा होगा, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट। मगर उसमें क्या होगा, आज की तारीख में देखिए जब ड्राइंग कंपटीशन होता है तो स्टूडेंट के साथ उसका पेरेंट्स आते कि नहीं आते? यहाँ से आपका सर्वे फॉर्म सबको मालूम है, LIC का जो सर्वे फॉर्म है, जब वो बच्चा उसका ड्राइंग कंपटीशन में बिजी रहेगा उसका पेरेंट्स के साथ आप बिजी रहिए, कम से कम 150-200 डाटा आपको मिलेगा कि नहीं? 150-200 डाटा मिलेगा कि नहीं? 150-200 डाटा आप लेके आइए, उसमें से आप देखिए कोई अगर अगर आपको 3-4 रिजल्ट मिल गया बढ़िया है, बाकी जो नहीं मिला वो पुलिस हो जाएंगे, प्रोसिक्यूट हो जाएंगे, वो भी कर सकते। मगर एक चीज ध्यान रखिए, जो भी आप बोलेंगे, आप किसी को अगर बताएंगे कि मैं इस प्रोफेशन से तेरे को गारंटी देता हूं 20-25 हजार तो महीने को कमाएगा, आप तो पहले तो नहीं बताएंगे ना तू 1 लाख कमाएगा, ऐसा बोलते हैं क्या? कितना बोलते हैं? 20-25 हजार, 30 हजार, ऐसा बोलते हैं। मगर बताने से पहले खुद के ऊपर ध्यान रखिए आप कितने वाला लगते हैं। अगर आप उसको 20,000 कमाने के लिए बोलते हैं, खुद 5,000 वाला दिखते हैं, तो जो आपका बात तो मानेगा नहीं। अपना सोर के ऊपर रखिए, सही बोला कि गलत बोला? सही है। कुछ तो चेंजेस आप में चाहिए, कुछ तो चेंजेस। आप हिंदी में कहावत है, गोदाम कैसा भी हो मगर शोरूम अच्छा दिखना चाहिए, सही कि गलत है? गोदाम तो कोई नहीं जाता, मालिक जाता सिर्फ, मगर शोरूम तो अच्छा दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। आप ऐसा, हेलो प्लीज, जमशेदपुर में ऐसा साड़ी का शोरूम रहा होगा कि नहीं, जहां पर फीस प्राइस है, ऐसा लिखा है कि नहीं है? ऐसा एक साड़ी का शोरूम पे आप गए, 5,000 रुपया में एक साड़ी खरीदा लेके आया, नो डिस्काउंट नथिंग नो बार्गेनिंग, खरीद के लाया आपने, लेके बाहर आ गया, बाहर आने के बाद आपने क्या किया,
उसका जो क्या गया प्राइस टैग जो चिपका रहेगा उसको उखाड़ दिया फेंक दिया। वही शोरूम के सामने फुटपाथ के ऊपर आप एक क्या बेडशीट डाल के वही साड़ी को रखा, रखने के बाद 5,000 देके खरीदा, डाला कहा फुटपाथ के ऊपर डाल के अब बोली लगाई 3,000 3,000 3,000। आदमी लोग आएंगे क्या बोलेंगे आपको, 1,000 में देगा बोले ही नहीं बोले। हाँ साड़ी का क्वालिटी कम हुई है क्या? नहीं, वही साड़ी है जो 100 रुपए 5,000 में बिकता है वही साड़ी फुटपाथ में आ गया तो उसका वैल्यू कम हो गया है कि नहीं? वो दुकान में है अरे फुटपाथ में है। हाँ यही तो आप जब किसी को जब जाके प्रेजेंटेशन देखते हैं आपका शोरूम ऐसा इसी शोरूम दिखना चाहिए ताकि आपका बात का गुजर रहेगा। क्या क्या बदलाव लगना चाहिए देखिए, आप जब जाते हैं किसी को समझाते हैं पेन में समझाते कि नहीं? हेलो हाँ, वो पेन से आपको आपका वजन दिखेगा। ज्यादातर मैं देखता हूं क्या करते हैं वो इलन थ्रो वाला 2 रुपए वाला पेन रखते जाते हैं, उसके पास जब निकालेंगे निकालने के बाद उनको याद नहीं रहा वो कि कब इसका अंदर का रिफिल खत्म हो गया, जब डाल के लिखेंगे तो वो निकल गया चलता नहीं है, उसको बोलते भाई तेरा पेन थोड़ा ले रहा इसमें से काम नहीं चलता, 300 रुपया वाला पेन एक बार खरीदो आप पार्टनर का गोल्डन कलर का पेन, जब वो पेन को दिखेगा तो सोचेगा ये सक्सेसफुल आदमी होगा। छोटे छोटे से बात, बढ़िया सा ड्रेस पहन के जाओ अब शोरूम को पूरा एसी शोरूम बना के जाओ 100% आपका सक्सेसफुल होगा। रिपोर्ट मैं एक आदमी की बात आपको बताऊंगा वो कैसे रिक्रूटमेंट कर रहा था, वो हमेशा दूसरे के काम पे कैसे में थोड़ा आ जाओ वो ऐसा सोचता था। एक बार क्या हुआ वो बस में कटक जा रहा था, कटक का नाम आप सुने होंगे, क्या हुआ रास्ते में चंडीखोल बोल के जगह है, बहुत बारिश हो रहा था, जब बारिश हो रहा था बस के अंदर वो आदमी बैठा था, एक आदमी चढ़ा पूरा भीग गया था, जब भीगा आदमी भीगा हुआ आदमी अंदर गया कोई भी आदमी उसको अपना पास में बिठाने नहीं दिया नहीं दिया, मगर ये आदमी क्या किया उसको बुलाया आओ मेरे पास आओ। वो सीएलआई था अपने पास बुलाया अपने बैग से टॉवल निकाला उसको दिया मेरे साथ पर खुद को साथ कर, वो पूरा अपने को पूछा उसने के बाद वो टॉवल लेके रखा अपने पास में उसको बिठाया उसके आगे बढ़िया सा प्रोस्पेक्टिंग हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? हाँ जरूर हो सकेगा। ऐसा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मान लीजिए आप कोई बड़े मॉल पे गए हैं बड़े मॉल पे गए हैं खरीदने के लिए, आप देखे होंगे मॉल पे बहुत सारे लोग ऐसा किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता है एक चीज सामान लाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, आप उसको वहां थोड़ा मदद कर दीजिए और पॉकेट में 2-4 पेन रखिए। आप जब पोस्ट ऑफिस में बैंक में जाते हैं वहां बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे पेन मांगे है कि नहीं? हाँ वो पेन आपसे मांग के लिया फिर अगर देता है तो लौटा दीजिए, अगर वो देता है आपको आप वापस लौटा दीजिए कीप इट विद यू, क्या होगा उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ क्या क्या एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, कभी दिया है क्या अभी तक? नहीं दिया ना, एक बार करके देखिए जो लोग दिया वो कर दिया जो लिया। अरे देखिए भाई आप दुकान खोल के बैठे हैं, कोई भी अपने दुकानदार दुकान खोल के बैठा है उस रास्ते पे जो भी जाता है ये जरूरी है कि हर आदमी उसके दुकान पे घुसे? नहीं, जो भी घुसेगा वो खरीदेगा ऐसा कोई गारंटी है? मगर हमको तो कोशिश करनी चाहिए, अपना साइनबोर्ड तो लगाना चाहिए, दुकान तो खुलना चाहिए। अगर 10 पेन दिया एक आदमी भी कन्वर्ट हुआ चले गए कि नहीं चले गए भाई? हाँ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका बड़े मंदिर को जाइए मंदिर का जो ब्राह्मण है उसको पकड़िए उसको एजेंसी। हाँ